21 दिसंबर को मेरे को शराब के मामले में गिरफ्तार किया था, शराब बेचने के मामले में। उसके बाद सर छुट्टियां हो गई थी, तो जेल प्रशासन में ऐसे सर काम छुड़ाने का पैसा लेते हैं, मेरे से 5,000 रुपये की मांग की। सर मैंने बोला कि मेरे मिलने वाले आएंगे, मैं अनाथ आदमी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे कोई दोस्त लोग आएगा तो उससे मैं दिलाऊंगा आप लोग को। सर कोई आया ही नहीं। उसके बाद सर आज अचानक मेरी जमानत हो जाती है। तो इससे पहले ये 2-3 दिन से सर मेरे को अभी लगातार टॉर्चर कर रहे थे, मेरे को मेरे साथ मारपीट की। फिर तो वो मेरे को सर बाल पकड़ के 2 नंबर बैरिक से गेट खुला के गेट पे ले गया, मेन गेट पे। वहाँ पे सर कैमरे लगे हुए हैं। फिर वहाँ पे सत्यपाल गुजर भी थे, ये हेड है, वो हेड साहब सर, उन्होंने और राज ये वो राकेश गुजर ने जो जेल प्रहरी है, उन्होंने मेरे को मारा सर 5,000 रुपये के लिए। 5,000 रुपये? किन 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 कॉन्स्टेबल मारो, कब मारा था आपको? आज सर 2 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच गेट पे ले जाके। मैं 2 नंबर बेरिक में था, 2 नंबर बेरिक खुलाया। वो एक बेरू चोटी नाम का लड़का आया, वो जब वो गेट वेट खोलता है वो भी बंदी है सर। मेरे को वहाँ पर लेके गए गेट पे, वहाँ से मारपीट करते हुए। फिर गेट पे सर फाइबर के डंडों से लाते कुश्तों से मेरे को बहुत बुरी तरह से मारा। फिर साहब इस बीच में अचानक भंवर सिंह जी अड्डा आया, वो नहीं आते तो साहब ये मेरे को और बहुत बुरी तरह से मारते, मेरे को बिल्कुल साहब हाथ पैर तोड़ डालते मेरे। बस सर यही घटना है। तो मारा किन किनों ने? सत्यपाल गुजर, सत्यपाल सिंह गुजर और ये राकेश गुजर।